नजरिए से देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग का ज़्यादा ज़रूरत है, पार्किंग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब पेड़ पौधा लगाना है तो पुल के ऊपर भी लगा सकते हैं, गंगा के किनारे भी लगा सकते हैं। पार्क कहाँ करेंगे? गाड़ी पार्क और बाथरूम भी ज़रूरी है, उस पर सरकार नहीं ध्यान दे रहा, जो ज़रूरी नहीं उस पर ध्यान दे रहा। अब बताइए जी, अगर हम तक ना उधर है आई जी एम सर, अगर गाड़ी इमरजेंसी में आए तो वो कहाँ लगाएगा? खराब लगेगा, है खराब लगे तो सुंदर लगना चाहिए। सुंदर लगता, गरीब आदमी जी रहा है, खड़ा है, कोई जगह ही नहीं है। मेन मैटर ये यहाँ ये था कि जान रहे हैं यहाँ पे बीच में का थाना पार्किंग, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक रोज शाम को लगता है कि यहाँ से जगदेव पर जाने में कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा, और उसके बाद ये तो बंद ही हो गया, अब तो एक घंटा और लगेगा। बनेगा कैसे? बहुत प्रॉब्लम में है, क्या बताया भैया, बीच में इधर बहुत मुश्किल से साइड में लगाए हैं और बीच में तो गार्डन बन रहा है, फिर इधर पार्किंग अलॉट होगा ही लास्ट में, कोई ऑप्शन है नहीं। तो सियोरलिया के बाजार लगेगा ही, लेकिन परेशानी है ये पार्क बनाने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बड़ा से मतलब से क्या, मतलब जब गरीबी चल जाए हट जाएगा पेड़ पौधा से क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं, जहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से जो है वो फ्लाईओवर के नीचे गार्डन एरिया जो है वो डेवलप जो है वो किया जा रहा है। अब पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जगह जहां पे हम खड़े हैं वो शेखपुरा कहलाता है, और शेखपुरा से रुकनपुरा जहां ये फ्लाईओवर जो है वो जाती है, वो कुल जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की दूरी है, और 3 किलोमीटर की दूरी में इसी तरीके से जो बीच का एरिया है फ्लाईओवर के नीचे वहाँ पर गार्डन एरिया डेवलप जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती थी, शहर की दो नामचीन सरकार, एक सरकारी अस्पताल IGMS और एक प्राइवेट अस्पताल पारस इसी सड़क के किनारे मौजूद हैं, और करीब आसपास राजा बाजार के आसपास करीब 3 लाख की आबादी जो है वो रहती है, और अगर माने तो करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो दुकानें यहाँ पर जो हैं वो स्थित है, और शाम के वक्त वैसे भी यहाँ पर जाम की समस्या जो है वो रहती है, लोग जो हैं वो बाज़ार करने के लिए मुख्य सड़क पर जो हैं वो आते हैं, और फ्लाईओवर के नीचे पहले पार्किंग हुआ करती थी तो लोग अपनी गाड़ियां जो हैं वो बीच में लगा देते थे और जो है वो शॉपिंग करने के लिए फिर जाते थे, लेकिन अब दिक्कत यह है कि शहर को हरा भरा करना है तो सरकार की तरफ से जो है वो बीच के एरिया को जो है वो ग्रीन कॉरिडोर में बना तब्दील किया जा रहा है, और पौधे जो हैं वो लगाई जाएंगी हरित कॉरिडोर के तहत, मिट्टी भी गिरा दी गई है, बाउंड्री भी कर दिया गया है लोहे की, अब बाउंड्री वाल भी आप देख रहे होंगे, कई दुकानें भी फ्लाईओवर के नीचे इससे पहले यहाँ पर मौजूद थी, जो दुकानें जो हैं अब जैसे तैसे सड़क के किनारे जो हैं वो आ गई हैं, तो एक तो पार्किंग की समस्या बढ़ने वाली है और कई लोगों को रोज़गार का संकट भी जो है यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। वैसे ही एक चाय की दुकान है बेवफा चाय वाला, ये पटना के अलग अलग जगहों पर इनके जो है स्टॉल्स हैं। पहले मुझे याद है कि आप बीच में लगाते थे फ्लाईओवर के नीचे ना, वहाँ पे लगाते थे 70 की बताइए बस, हाँ 70 बार लगाते थे, फिर वहाँ से मतलब भगाया तो फिर इस साइड की बार वहाँ से मतलब नगर निगम के द्वारा कहा गया यहाँ से हटा लीजिए। हाँ वहाँ पर डेली मतलब डेली मतलब आ रहा है, मतलब आजकल मतलब डेली मतलब परेशान कर रहा है। क्या परेशान कर रहा है? मतलब बोल रहा है हटाने के लिए, बोल रहा है यहाँ से भी हटाने, बोल रहा है यहाँ से भी कर रहा है हटाने के लिए। हाँ मतलब बोल रहा है आप लोग यहाँ से जाइए निकलिए यहाँ से रास्ता, मतलब आप लोग जाकर दुकान लीजिए, दुकान कहाँ से लेंगे, इतना मतलब पॉसिबल रहेगा तब तो दुकान लेंगे ना, रेडी पर मतलब गुजारा चल जाता है बढ़िया, तो मतलब भी मतलब काम चलाओ मतलब हो जाता है, काम चलाओ कमाई जो है वो फ्लाईओवर के नीचे ये कर लेते थे, लेकिन अब पहले वहाँ से हटाया गया क्योंकि वहाँ पर तो गार्डन बनना है, अब यहाँ पर भी ये लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी दिक्कत है, यहाँ पे भी यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा है। डेली मतलब आता है, डेली अभी एक घंटा पहले आया हुआ था हटाने के लिए, तो फिर काउंटर अंदर किए कॉलोनी में, फिर निकाले फिर लगाए। तो कैसे देखते हैं जो गार्डन बन रहा है हरा हरा दिखेगा? हरा से मतलब से क्या, मतलब जब गरीबी चल जाए हट जाएगा तो पेड़ पौधा से क्या होगा? चलिए स्थानीय मुझे लग रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं हरा हरा दिखेगा बीच में? देखिए क्या बोला जाए, जो हो रहा है वो। अंकल आप तो सीनियर हैं, कई वर्षों से दुकान लगा रहे होंगे, बीच में पार्किंग लोग यहाँ आते थे, बीच में अपना गाड़ी लगाया, जो खरीदना है खरीद देते थे, अब चूंकि यहाँ पे तो गार्डन बनेगा पौधे लगेंगे तो कैसे देखते हैं आप? अब रोड जाम होगा, जब पार्किंग की जगह नहीं मिलेगा तो अब तो साइड में आदमी खरीद रोक करके ना गाड़ी साग सब्जी खरीदेंगे, बाजार तो लगभग ही करेगा, तो सियोरलिया के बाजार लगेगा ही, लेकिन परेशानी है
ये पार्क बनाने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आज तो है जो कि स्थानीय दुकानदारों के द्वारा जो है आज जुलूस भी निकाला गया था ताकि इस पर जो है रोक लगे। देखिए आज क्या, अब के इसके बाद क्या होता है। चलिए, फ्लाईओवर के नीचे कई दुकानें लगती थी, एक और एक दो और दुकानदार हैं, हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए पटना के कई इलाके फ्लाईओवर में, खासकर स्टेशन रोड पर फ्लाईओवर आपको पर के नीचे जो है इसी तरीके से जो है वो कमोबेश किया गया था, जहाँ पर जो बीच में पार्किंग लगती थी वहाँ पर गार्डन एरिया डेवलप किया गया। अब राजा बाजार पुल जो कि काफ़ी लंबा है, शेखपुरा से शुरू होकर रुकनपुरा तक जाता है, कुल जो इस पुल की लंबाई है करीब 3 किलोमीटर है, और इस पुल के नीचे पहले गाड़ियाँ पार्क होती थी, आसपास के इलाकों में काफ़ी सघन आबादी रहती है और मार्केटिंग करने के लिए जो है वो यहीं पर लोग जो है वो आते हैं। ये मोमो का दुकान देख रहे हैं, ये भी आप बीच में लगाते थे ना पहले? अच्छा ठीक है, आते हैं थोड़ा आपके पास। कैसे देख रहे हैं आप, बीच में तो गार्डन बनेगा, कैसे? बहुत प्रॉब्लम में है, क्या बताया भैया, बीच में इधर बहुत मुश्किल से साइड में लगाए हैं। हाँ। और बीच में तो गार्डन बन रहा है। हाँ। फिर इधर पार्किंग। हाँ। अलॉट होगा ही लास्ट में, कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। तो बस हटाना पड़ेगा कोई ऑप्शन, मतलब क्या ही बोलेंगे। हाँ। आता है रोज, आता है अधिक्रमण वाला, नगर निगम वाला, रोज लेकर भगाते हैं, तो 2000, 3000, 1500 जितना मन होता है फाइन करके चल जाता है। किस चीज़ का फाइन, मतलब कि आप यहाँ लगा रहे हैं इसका बोर्ड टैग? हाँ, रोड पे सरकारी प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं, इसके लिए बस फाइन। अगर बोला जाता है कचरा का डब्बा रखने के लिए, सूखा के लिए अलग, पानी के लिए अलग, सब कुछ रखे हुए हैं। हाँ। फिर भी आया आप नहीं हटा पकड़ा के, तो या तो उठा कर ले जाएगा स्टॉल पूरा, और नहीं तो फाइन मारेगा। तो आप मतलब ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि 3 किलोमीटर की ये दूरी है फ्लाईओवर की, पार्किंग यहाँ पर लगता था, और कुछ कुछ आप जैसे दुकानदार युवा हैं वो ठेला लगाते थे अपना, मतलब कि कहीं ना कहीं रोजी का भी संकट आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो? बहुत बहुत बड़ा संकट। मान लीजिए हम लोग तो अभी नए युवा है जो स्टार्टअप किए अपना, मान सकते हैं प्रॉब्लम के कारण या जरूरत के से, बट जो 8 साल 10 साल से लगा रहे हैं, उधर आलू प्याज वाले भैया हैं, गोलगप्पा वाले हैं। हाँ। बहुत दिन से लगा रहे हैं, जिसका रोजी रोटी यहीं से चल रहा है। हाँ। वो कहाँ जाएंगे? हम तो भाई देव यहाँ से हटा के बंद भी कर देंगे तो हम कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू से यहाँ लगा रही है भैया लिट्टी वाले, 4-5 साल से यहाँ लगा रहे हैं। हाँ, बीच में लगाते थे? नहीं, यहीं पे लगा रहे साइड में। अच्छा। तो अब पार्किंग बंद हो गया बीच में। हाँ। पार्किंग बंद हो गया तो साइड में ही पार्किंग होगा, दूसरा कोई जगह ही नहीं है। मेन मैटर ये यहाँ ये था कि जान रहे हैं यहाँ पे बीच में जब था ना पार्किंग, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक रोज शाम को लगता है कि यहाँ से जगदेव पर जाने में कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा, और उसके बाद ये तो बंद ही हो गया, अब तो 1 घंटा और लगेगा। अगर कार यहाँ पार्किंग बनाया जाएगा तो व्हाइट लाइन के उधर चला जाएगा कार, कोई भी कार ऐसे ऐसे नहीं लग सकता, बाइक ही लग सकता है, कार वाला कहाँ पार्क करेगा? शॉपिंग करने आएगा, कहीं भी आएगा तो रोड ही पर लगाएगा, ट्रैफिक होना एकदम स्वाभाविक बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो गाड़ियाँ जो है अब बेतरतीब तरीके से लगेंगी, क्योंकि जिस तरीके से व्यस्तम इलाके में के फ्लाईओवर में जो है वो गार्डन एरिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है। हम आगे थोड़ा और चलेंगे, क्योंकि कई दुकानें हैं, फ्लाईओवर जो है वो कुल इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, और जो भी अगल बगल में कई दुकानें जो फ्लाईओवर के नीचे लगती थी वो अब सड़क के किनारे जो है वो लग रही हैं। और हमने कई दुकानदारों से भी बात किया है और सबों का लगभग यही कहना है कि रोजी का तो संकट आ ही गया है, और साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर सबसे पहले कुछ दुकानदारों ने क्या कुछ कहा है हमसे, पहले उनका थोड़ा सा बयान सुन लीजिए। ये बीच में जो है वो गार्डन एरिया बन रहा है, कैसा लगेगा? देखने में तो सर खराब लगेगा। क्या है खराब लगेगा, तो सुंदर लगना चाहिए। सुंदर लगता है, गरीब आदमी जी रहा है खड़ा है, अब वो खराब हो रहा है। मान के चलिए हमारा ऊपरटी जाना है तो घूम के जाने पड़ेगा, ऐसे रास्ता तो क्लियर था, कोई गरीब जी रहा है सो ही जाता है रात में, अब बंद होने वाला है तो गरीब कहीं और जगह देखेगा। कम से कम रेडी ठेले वाले लगाते थे वहाँ पर, पार्किंग होती थी वो जगहों पर, अब गार्डन बनेगा इसे अब खुश नहीं है? नहीं, बहुत आदमी गरीब रो रहा है कई दिन से, बोल रहा है कि नहीं ये हो जाता तो अच्छा था, ऐसे था तो गाड़ी भी लग रहा था, चाहे आदमी गरीब दुखिया जी रहा था खा रहा था दुकान दौड़ी खोलकर। ये हमारे साथ जो शख्स है आकाश कुमार नाम है, और इनकी एक रेडी की दुकान है जो कि फास्ट फूड जो है वो बेचते हैं। अब इन्हें रोड के साइड दुकान लगानी पड़ रही है, इससे पहले जो है वो फ्लाईओवर के नीचे जो है वो दुकान लगाते थे, और जो है अब क्योंकि ये गार्डन एरिया बनने वाला है तो इसलिए अब इन्हें दुकान वहाँ से हटाकर जो है वो साइड पर लाया गया है। कैसे देखते हैं अब जो फ्लाईओवर के नीचे जो है वो गार्डन डेवलप करने की परियोजना है, और देख सकते हैं कि कई जगहों पर घेराबंदी भी हो चुका है, तो इसको कैसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नज़रिए से देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग का ज़्यादा ज़रूरत है, पार्किंग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है।
पेड़ पौधा लगाना है तो पुल के ऊपर भी लगा सकते हैं, गंगा के किनारे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे रोड है जैसे ये एयरपोर्ट वाले रोड है वहाँ भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे नहीं लग रहा है, बेली रोड पे लगाया जा रहा है। एक और है कि मैं देखता हूँ कि शेखपुरा से आप दुकानपुरा तक जाते हैं करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी है, पूरे फ्लाईओवर पर जो है वो गार्डन एरिया बना दिया जाएगा, इसमें कई जो पार्किंग के तो एरिया थे ही, कई दुकानदार फुटकर दुकानदार भी लगाते थे, उनको भी रोजी रोटी के लिए भी दिक्कत हो रही है लगाने। दिक्कत तो हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे कि दुकान लगता था कुछ लोग पार्किंग लगा के पैसा भी लेते थे बहुत लोग। आप ये स्थानीय ही हैं जी, देखिए बीच में अब गार्डन एरिया बन रहा है, लेकिन अब पार्किंग कहाँ लगाएंगे लोग, क्या इस जो हो रहा है उसे सही लग रहा है? फूल लगाना पेड़ पौधा लगाना सही है, लेकिन ये पार्किंग हटा के फूल पौधा लगाना, फिर पार्किंग कहाँ लगेगा, गाड़ी कहाँ लगेगा, ये भी तो सोचना होगा ना सरकार को। मुझे लगता है कि पूरे 2-3 किलोमीटर में 1,000 दुकान, हाँ 3 किलोमीटर में 1,000 दुकानें होंगी, शाम में व्यस्तम पूरा इलाका, सब्जी मंडी भी रोड पर ही है, पार्क कहाँ करेंगे? गाड़ी पार्क और बाथरूम भी जरूरी है, उस पर सरकार नहीं ध्यान दे रहा, जो जरूरी नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी अभी यहाँ पे अक्सर लोग खुले में शौचालय शौच कर रहे हैं, पब्लिक आ रहा जा रहा, लेडीज आ रहा जा रहा, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन हाँ ये देख रहे हैं लोग कि जिसमें सरकार को फायदा बस वही काम हो रहा है बस। इसमें तो आप लोगों के लिए फायदा, हरी हरी इससे थोड़ा फायदा, जहाँ पे लगाना चाहिए सर वहाँ कहाँ लग रहा है, वहाँ तो काटा जा रहा है। अंकल आप तो बुजुर्ग हैं, यहीं पे रहते हैं, कैसे देख रहे हैं यहाँ पे अब पार्क टाइप का बनेगा, हरे हरे पौधे लगेंगे, अब कैसे इसको देखते हैं आप, क्या मानते हैं? अरे ये तो अच्छा कार है, लेकिन बिजनेस वाली को तो देखना है, यहाँ के हैं ताकि रोजी रोजगार को तो देखना है, ये दोनों लेकर चलना है साथ में। अब बताइए जी, अगर हैं तक ना उधर है IGM सर, अगर गाड़ी इमरजेंसी में आए तो वो कहाँ लगाएगा, वो कहाँ लगाएगा, अगर पार्क हैं तक चारों से जाम कर देगा लोग, तो हैं तक वो पारस है, कहाँ लगाएगा गाड़ी को, पब्लिक हैं तक दुकानदार है वो भी मर जाएगा। अरे पार्क तो हैं तक लगाने के तो बहुत जगह है सरकार के पास, गाड़ी कहाँ लगाएगा, क्या दुकान आदमी कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर लेगा, गाड़ी कहाँ एडजस्ट करेगा, जैसे दुकान आया कोई आया सामान लेने दुकान में, वो गाड़ी कहाँ लगाएगा, रोड पे लगाएगा, रोड पे गाड़ी लगाया तो फिर चलान भी काटना शुरू कर देगा। और वैसे भी ये इलाका जो है वो शाम के वक्त लगभग आप ये मान के चलिए जाम सा हो जाता है, अब दुकानें जो फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियां लगती हैं वो अब रोड के पर जाम पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा ना, जाम लग रहा है IGMS के पास, जाम लग रहा है आसियाना मोड़ पे, तो वहाँ पे प्रशासन भी खड़े हैं, उस पे ध्यान नहीं जा रहा, ध्यान जा रहा है तो बस ठेला पे जहाँ से पैसा सरकार को अर्न हो, बस यहाँ ठेला से वसूली करेंगे, चालान करेंगे, लेकिन वहाँ जहाँ जाम लग रहा है, जहाँ ऑटो वाले जाम कर रहे हैं, जहाँ IGMS और सियाना मोड़ यहाँ स्पॉट है, वहाँ पे आज तक कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पर आज तक जो है वो कोई काम नहीं हुआ। देख सकते हैं कि हम राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे हैं और जो ईंटें यहाँ पे पसरी हुई है, हाँ। कितना क्लियर रोड है, कितना साइड में दुकान है, उधर चार चार पाँच पाँच लड़ी दुकान लगा देता है, जाम लग जाता है, उधर नहीं बोलता है, इधर एक लाइन से दुकान लगता है तैयो बोलता है, बताइए हटाता है, वहाँ देखिएगा एक ठेला यहाँ है, एक ठेला यहाँ है, एक ठेला यहाँ, एक ठेला यहाँ है, बिल्कुल दम वन वे पड़ जाता है, और यहाँ एक ठेला लाइन से एक एक ठेला लगता है, तब पर भी सरकार को नहीं कुछ बुझा रहा है, बताइए। कहीं ना कहीं दुकानदारों में रोष है और इस बात को लेकर रोष है कि अगर यहाँ पर गार्डन एरिया डेवलप किया गया, देखिए हरियाली होनी चाहिए, लेकिन व्यस्तम इलाके में जहाँ पर लोग जो हैं अमूमन शाम के वक्त या दोपहर के वक्त शॉपिंग करने आते हैं, तो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, तो पार्किंग एरिया को हटाकर गार्डन एरिया बनाना, ये कहाँ की अकलमंदी है, ये कहाँ तक सही है, ये बड़ा जो है वो सवाल है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।